अरे भाई थोड़ा फास्ट चलाओ, इतना स्लो क्यों चला रहे हो? साहब आप रिक्शा में बैठे हैं, प्लेन में नहीं। इससे फास्ट रिक्शा नहीं चल सकता। अच्छा रिक्शा फास्ट नहीं चल सकता, लेकिन तुम्हारा मीटर तो बड़ा फास्ट चल रहा है। साहब मीटर कायदे से बराबर चल रहा है, आप चाहे तो चेक करवा ले। देखो मैं पत्रकार हूँ, मीडिया का आदमी हूँ, मुझे सब पता है। तुम लोग ये जो मीटर की चोरी करके लोगों को उल्लू बनाते हो ना, उसकी पूरी कहानी हमारे तूफान एक्सप्रेस में छाप दूंगा। हम छोटे लोग ईमानदारी और मेहनत की रोटी कमाते हैं, रिक्शा का हफ्ता भी टाइम टू टाइम करते हैं, कोई बेईमानी नहीं करते साहब। अच्छा अच्छा अब आगे देख और फटाफट गाड़ी चला भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे अरे ये रिक्शा अचानक झटके क्यों खा रही है? ये बंद क्यों पड़ गई? साहब देखता हूँ, दो मिनट। अरे दो मिनट क्या, मेरे पास दो सेकंड भी नहीं है, जो करना है जल्दी कर। रिक्शा में गैस भरवाई थी कि नहीं? साहब गैस फुल है। अरे तो फिर चालू क्यों नहीं हो रही है? साहब लगता है कोई बड़ा मैकेनिकल प्रॉब्लम हो गया है, आपको ये रिक्शा छोड़ना पड़ेगा। अच्छा तुम मुझे ऐसे बीच रास्ते में छोड़ोगे तो मैं तुम्हें यहाँ तक का भाड़ा नहीं दूंगा। ठीक है साहब, अब क्या बोल सकता हूँ। एक मिनट, यहाँ तक 20 रुपया होगा। शुक्रिया साहब, कोई बात नहीं, ठीक करवा लेना रिक्शा। ओहो, दूसरी रिक्शा कहाँ मिलेगी? एक तो पहले ही लेट हो गया हूँ और लेट हो जाऊं। राशि भविष्य में बिल्कुल सही लिखा, आज काम बढ़ जाएगा, रिक्शा ढूंढने का काम बढ़ गया। रिक्शा रिक्शा, एक भी रिक्शा नहीं आ रही और जो आ रही है सब भरी हुई। रिक्शा रिक्शा रिक्शा, लेफ्ट। इतनी देर से खड़ा हूं, किसी को दया भी नहीं आ रही कि भाई जरा रोक कर लिफ्ट दे दे। लेफ्ट लेफ्ट भाई साहब, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। देखो कोई रुकने को भी तैयार नहीं। हे भगवान, सच में इंसानियत नहीं बची है। आपको लगा तो नहीं ना? वो दरअसल सामने से एक गाड़ी ने कट मारा तो मैं पीछे हटा और आपकी साइकिल से टकरा गया। I am extremely sorry. नहीं नहीं, गलती एक्चुअली मेरी ही है, मैं ही रॉन्ग साइड से साइकिल चला कर आ रही थी। आई एम सॉरी। नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल रॉन्ग साइड से साइकिल नहीं चला रही थी, आप राइट साइड से ही साइकिल चला रही थी। रॉन्ग तो मैं था जो रॉन्ग साइड से आकर आपकी साइकिल से टकरा गया। नो नो नो, आई एम रियली वेरी सॉरी। अगर मैंने टाइम पर घंटी बजा दी होती तो आप टकराते ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, आपने तो बिल्कुल सही वक्त पर घंटी बजाई थी, मैंने सुनने में देरी कर दी, गलती मेरी है। नहीं देखिए, पहली गलती मेरी ही थी, मैंने ब्रेक लेट मारी। आप कुछ भी माने लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं कि गलती आपकी है। गलती मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी, इसलिए प्लीज प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। देखिए आप प्लीज माफी मत मांगिए, लेकिन सच में आज तक मैंने आपके जैसा ऑनेस्ट इंसान नहीं देखा। ओह थैंक यू। मैंने भी आज तक आप जैसी बासुभ और खूबसूरत लड़की नहीं देखी। आपको कोई चोट तो नहीं लगी ना? लगी है, मीठी चोट। क्या कहा? मेरा मतलब है मुझे चोट नहीं लगी, दरअसल आपके ड्रेस पर ये मिट्टी लगी है, आप ये लीजिए साफ कर लीजिए। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। वैसे आप इस तरह से बीच सड़क पर क्या कर रहे थे? मैं आती जाती गाड़ियों से लिफ्ट मांग रहा था।
मेरा मतलब है, मैं यहाँ पास में पाउडर गली में गोकुलधाम सोसाइटी है ना, वहीं रहता हूँ। मैं रिक्शे से जा रहा था, अचानक रास्ते में रिक्शा बंद पड़ गई। अब मुझे बहुत लेट हो रहा था, दूसरी रिक्शा मिल नहीं रही थी, इसलिए मैं वो आती जाती गाड़ियों से लिफ्ट मांग रहा था। लेकिन आपको जाना कहाँ है? मुझे अर्जेंट प्रेस पहुँचना है। प्रेस? आप इस्त्री वाले हैं? नहीं नहीं, वो न्यूज़पेपर वाला। मेरा मतलब है वो घर पर न्यूज़पेपर डालते हैं, वो नहीं अखबार, न्यूज़पेपर। दरअसल मैं अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, पोपटलाल। ओ, तो आप पत्रकार हैं, वो भी तूफान एक्सप्रेस में? जी, आपने नाम तो सुना ही होगा। नहीं, लेकिन पढ़ा जरूर है, आपका अखबार मैं रोज पढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच। एक सेकंड, रिक्शा। वो प्रेस के लिए लेट हो रहा है और एक रिक्शा नहीं मिल रही है, कोई लिफ्ट देने को भी तैयार नहीं है। If you wish, तो मैं आपको आगे तक लिफ्ट दे सकती हूँ। Really? हाँ। Thank you. लेकिन जाने दीजिए, आप क्यों तकलीफ ले रही है? मुझे आगे से रिक्शा मिल जाएगी। अरे, तकलीफ की क्या बात है इसमें? देखिए, आपको भी तो ऑटो नहीं मिल रहा है ना, और लेट भी हो रहा है, तो मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। आइए ना, प्लीज बैठिए ना। थैंक यू सो मच। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एक काम करते हैं, आप पीछे बैठ जाइए, मैं साइकिल चला लेता हूँ। नहीं, मैं चला लूंगी ना, मुझे डबल सवारी चलाना आता है। आइए बैठिए ना प्लीज। अरे वाह, पत्रकार जी ध्यान से बैठिएगा, वरना अगर आप गिर गए ना तो मैं भी गिर जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद भी नहीं गिरूंगा और आपको भी नहीं गिरने दूंगा। सो स्वीट, आइए बैठिए ना प्लीज। ओके। एक मिनट। हाँ, आप ठीक है, चलिए। आपने कुछ कहा पत्रकार जी? नहीं तो? तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि आपने कुछ कहा? वो मैं ये पूछ रहा था, मतलब ये कह रहा था कि आप कुआं? क्या कुआं? मतलब वेल, जैसे कभी कभी कुआं प्यासे के पास पहुंच जाता है, बिल्कुल वैसे ही आज इस सुनसान जगह पर मुझे लिफ्ट देकर आपने मेरे लिए किया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की क्या बात है पत्रकार जी, वैसे भी एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए, और देखे ना, आपको मदद की जरूरत थी और ऊपर वाले ने मुझे भेज दिया। बिल्कुल सही कह रही है, ऊपर वाले ने आपको मेरे लिए ही भेजा है। मेरा मतलब है मेरी मदद के लिए भेजा है। वैसे आपके विचार कितने अच्छे हैं। थैंक यू सो मच पत्रकार जी, वैसे आप भी बहुत अच्छे और सज्जन इंसान है, वरना मैं आपको अपनी साइकिल पर लिफ्ट क्यों देती। थैंक यू। वैसे एक और बात के लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू इस बात के लिए? आप कितनी कैरिंग है। कैरिंग कैसे? आप नेचर की कितनी केयर कर रही है। कैसे? देखिए ना, आप साइकिल चलाकर आप पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचा रही है, नेचर की, एनवायरनमेंट की रक्षा कर रही है, और सबसे अहम बात, आपकी वजह से पोल्यूशन कितना कम हो रहा है। थैंक यू सो मच, वैसे आप भी बहुत केयरिंग है। वो कैसे? अभी देखिए ना, आप भी मेरे साथ साइकिल पर बैठकर नेचर का केयर ही तो कर रहे हैं। थैंक यू। लगता है नेचर के मामले में हमारा नेचर कितना मिलता है। पत्रकार जी आप क्या कर रहे हैं? नहीं, वो थोड़ा बैलेंस इधर उधर हो गया। अब रहा नहीं जाता, ऐसे पूछूं? पूछ ही लेता हूँ इसके घर में और कौन कौन है। अरे पत्रकार जी, आप चुप क्यों हो गए? वैसे मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, और चुप रहना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे भी चुप रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो
तो कीजिए ना बात है। वैसे आपके घर में आपके अलावा और कौन साइकिल चलाता है? सिर्फ मैं ही, मम्मी पापा नहीं चलाते। मम्मी पापा के अलावा और कोई नहीं चलाता? नहीं, घर में हम सिर्फ 3 ही सदस्य हैं। अरे अरे पत्रकार जी आप क्या कर रहे हैं, संभालिए। सॉरी सॉरी, वो थोड़ा बैलेंस इधर उधर हो गया था, सॉरी। वाह वाह वाह, घर में सिर्फ मम्मी पापा है, मतलब लड़की कुंवारी है। बात पक्की हो गई। कैसी बात पक्की हो गई? वो सड़क पक्की हो गई, ये कह रहा था। इस साल म्युनिसिपैलिटी ने बड़ा अच्छा काम किया है, नहीं? हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही पत्रकार जी। I'm sorry, वो खड्डा आ गया था। पोपटलाल, सपने बाद में देखना, पहले लड़की से उसका नाम तो पूछो। मैं क्या कह रहा था, एक्सक्यूज मी, हेलो पोपटलाल, अब हेलो हेलो ही करते रहोगे कि प्रेस पर भी पहुंचोगे? मैं कहां पहुंचा सर, मैं बस पहुंच ही रहा हूं, 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अच्छा एक मिनट। हेलो, ओके, हाँ मैं पहुंच जाऊंगी, लेकिन एड्रेस क्या है? एक मिनट। पेन। थैंक यू। वेलकम। ठीक है, ओके ओके, मैं पहुंच जाऊंगी। ठीक है, चलो बाय। सुनिए ना, आपने आज मुझे लिफ्ट दी है तो उसके बदले में मैं आपको एक कॉफी ऑफर कर सकता हूँ। यहाँ पास में कॉफी शॉप है, चलिए ना। आई एम सॉरी पत्रकार जी, आज मैं बहुत जल्दी में हूँ, कॉफी फिर कभी। फिर कब मिलेंगे? वो जब मिलेंगे तब मिलेंगे, अभी मैं चलती हूँ। अच्छा सुनिए, कल के तूफान एक्सप्रेस में मॉडर्न जमाने की मॉडर्न नारी पर मेरा आर्टिकल जरूर पढ़िएगा। हाँ मैं पढ़ूंगी, बाय। अच्छा सुनिए, अपना नाम तो बता दी जाइए। हेलो, बोलो। इतनी सारी बातें की पर नाम ही पता नहीं चला। वाह, इसे कहते हैं किस्मत, नाम बताकर नहीं गई पर मोहब्बत की निशानी तो छोड़कर गई। हेलो सर, मैं बस पहुंच गया हूँ, बिल्डिंग के नीचे ही खड़ा हूँ। हाँ ऊपर आ ही रहा हूँ। रिक्शा, एक्सक्यूज मी सर। सर सॉरी सर, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। दरअसल क्या हुआ था, वो रास्ते में रिक्शा थोड़ी बंद पड़ गई थी, इस चक्कर में मुझे लेट बस, हो गया। बस मुझे इस वक्त अर्जेंट एक आर्टिकल चाहिए। सर मैंने ये जो मॉडर्न डायरी पर आर्टिकल लिखा है वो बहुत बढ़िया है, एक बार प्लीज इसे देख लीजिए, सिर्फ एक बार नजर मार लीजिए। देखता हूँ अभी, देखने तो दे क्या लिखा है। नारी है तो सुंदर ये जग सारा है, नारी के बिना जग सुना हमारा है, नारी अब ज्योति नहीं बन गई ज्वाला है, रसोई में जो करती थी रोटी अब चढ़ती हिमालया है, नारी तू अम्बा है तू जगदम्बा है, नारी सुर का सागर है, नारी ममता का दरिया है, नारी तू अन्नपूर्णा है, तू ही प्रभु का जरिया है, नारी का सम्मान है तो ईश्वर का सम्मान है, नारी का होना सृष्टि का होना है, और नारी का रोना सृष्टि का खोना है। वाह 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 पोपटलाल, बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है, वाह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। भाई मान गए पोपटलाल, मान गए। पोपटलाल तुम शादीशुदा नहीं हो फिर भी नारी पे इतना अच्छा कैसे लिख सकते हो? सर जीवन की यही विडंबना है, जैसे प्यासे को पानी की एक एक बूंद की और भूखे को अन्न के एक एक दाने की कीमत का पता होता है, ठीक वैसे ही जिस इंसान के पास जो सुख नहीं होता है उस सुख का वर्णन वो सबसे बढ़िया करता है। वाह वाह पोपटलाल, 100% की बात कही है तुमने।
बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। सर तो फिर ये आर्टिकल मैं कल के एडिशन में छापने के लिए दे देता हूँ। नहीं 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 पोपटलाल, कल के एडिशन में ये आर्टिकल छापना कैंसिल। क्यों सर, आपने अभी मेरे आर्टिकल की इतनी तारीफ की, इसे कल के एडिशन में छाप देते हैं। पोपटलाल, मैंने कहा ना कल नहीं छपेगा। ऐसा मत कीजिए सर, ये आर्टिकल मैंने कल किसी को अखबार में पढ़ने के लिए कहा है। प्लीज इसे कल के एडिशन में छाप दीजिए। पोपटलाल, एडिटर तुम हो कि मैं हूँ? क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा वो निर्णय मैं लूंगा। मैंने तुम्हें एक थ्रिलिंग सेंसेशनल टॉपिक पर आर्टिकल लिखने के लिए बुलाया है, और वो इससे ज्यादा जरूरी है। कौन सा? DRUGS। इसका फुल फॉर्म क्या है सर? ड्रग्स। ड्रग्स? हाँ पोपटलाल, ड्रग्स, नशा। आज की युवा पीढ़ी ड्रग्स की लत में बर्बाद हो रही है। ये न्यूज चैनल वाले को तो 24 घंटे ब्रेकिंग न्यूज दिखाने का मौका मिलता है, लेकिन अब अखबार वालों को तो दिन में एक बार, सिर्फ एक बार ब्रेकिंग न्यूज देने का मौका मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी पर ड्रग्स की हो रही बुरी असर पर तुम एक तेज तरारा आर्टिकल लिखो, ताकि पूरी मीडिया हिल जाए। लेकिन सर। अरे सर बर छोड़ो, पहले ये रिसर्च करो कि ये ड्रग्स की गैंग कैसे अपनी जाल बिछाती है और पुलिस उसको कैसे पकड़ती है। आज शाम 7 बजे तक मुझे आर्टिकल दे दो। हाँ, डू इट फास्ट। फटाफट आर्टिकल लिखकर निकल जाता हूँ, हो सकता है रास्ते में साइकिल वाली लड़की फिर से मिल जाए। इधर इधर पोपटलाल, इधर। अरे क्यों, चलो फटाफट आर्टिकल लिखो। हाँ हाँ ओके सर। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके ओके सर, ओके ओके। ये ड्रग्स और नशे की आदत ने हमारे देश की युवा पीढ़ी को अपने चुंगल में जबरदस्त फंसा लिया। मेरा नसीब भी कमाल है, आज दिन की शुरुआत कितनी रोमांटिक और मधुर हुई थी, लेकिन एडिटर साहब ने ड्रग्स जैसे अनरोमांटिक विषय पर आर्टिकल लिखने का काम सौंप दिया। प्यार, इश्क, मोहब्बत, ऐसे किसी रोमांटिक सब्जेक्ट पर आर्टिकल लिखना होता ना, खड़े खड़े लिख देता। कितनी सुंदर और सुहानी मुलाकात थी। ट्रिन 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 ट्रिन। अब उससे फिर मुलाकात होगी। जब तक इस आर्टिकल से जान नहीं छूटेगी, तब तक मैं अपनी जान से कैसे मिलूंगा। वक्त होता तो मैं बहुत बढ़िया आर्टिकल लिख देता, लेकिन इतने कम वक्त में इस आर्टिकल को पूरा करने के लिए कौन मेरी मदद कर सकता है? यस, मेहता साहब। एक ड्राफ्ट अभी कंप्लीट हुआ नहीं और बॉस ने दूसरे ड्राफ्ट के लिए मीटिंग बुला ली। क्या हादी है मीटिंग। अभी काम के वक्त किसका किसका फोन है? हेलो, मेहता साहब, पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। अरे भाई पोपटलाल, तुम्हें मालूम है ना कि हम सबको पता है कि तुम पत्रकार हो, तो फिर अपने नाम के आगे पत्रकार की पदवी लगाने की क्या जरूरत है? क्यों बोल रहे हो पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ? सीधे सीधे बोलो ना कि पोपटलाल बोल रहा हूँ। मेहता साहब, मुझे पता है कि आपको पता है कि मैं पत्रकार हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपके पड़ोसी की हैसियत से फोन नहीं कर रहा हूँ। तो किस हैसियत से फोन कर रहे हैं पोपटलाल जी? एक पत्रकार की हैसियत से फोन कर रहा हूँ, इसलिए बोला कि पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, पत्रकार पोपटलाल जी। अच्छा, समझ गया कि आपने पत्रकार बन के फोन किया। अब बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, थोड़ा जल्दी बोलो, मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है, बहुत इंतजार कर रहा है। अरे मेहता साहब, मैं भी बहुत जल्दी में हूँ, मुझे आपसे ड्रग्स के बारे में जानकारी लेनी है। अरे पोपटलाल, मैं लेखक हूँ, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ जो ड्रग्स और दवाइयों के बारे में कोई जानकारी होगी। मुझे ड्रग्स के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो डॉक्टर हाथी से बात करो। अरे नहीं नहीं, वो दवाई वाला ड्रग्स नहीं, नशे वाला ड्रग्स, जिससे हमारे देश की युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, वो ड्रग्स, उसके बारे में आप मुझे फटाफट कुछ जानकारी दे सकते हैं? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो भाई पोपटलाल, जैसे नशे के चीजों के बारे में मुझे जानकारी होगी, मुझे कैसे जानकारी होगी पोपटलाल? मैं फटाफट कोई जानकारी कैसे दे सकता हूँ? अरे मेहता साहब प्लीज, डेडलाइन है आर्टिकल पूरा करना और मेरे पास वक्त बहुत कम है, कुछ तो मदद कीजिए। तो मैं क्या मदद करूँ? मेहता साहब, माना कि आप जेठालाल के फायर ब्रिगेड, लेकिन मैं भी आपका पड़ोसी हूँ। चलिए आप आर्टिकल लिखने में मदद मत कीजिए, लेकिन ये जानकारी तो दे दीजिए कि ड्रग्स के बारे में मुझे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है। तो मीटिंग के लिए इंतजार कर रहा है बॉस पोपटलाल में क्या पता। हाँ हाँ पोपटलाल, एक आदमी है जो तुम्हें पूरी पूरी जानकारी दे सकता है ड्रग्स के बारे में। अच्छा, कौन कौन कौन, जल्दी बताइए। अरे भाई इंस्पेक्टर चालू पांडे। गुड आफ्टरनून पांडे जी। गुड आफ्टरनून पत्रकार पोपटलाल, कहिए इंस्पेक्टर चालू पांडे आपकी क्या सेवा कर सकता है?
थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है। अच्छा कॉन्फिडेंशियल? मुझे आपसे ड्रग्स ड्रग्स पुलिस स्टेशन में आकर इंस्पेक्टर चालू पांडे से ड्रग्स मांग रहे हो? इतने डंडे मारूंगा, इतने डंडे मारूंगा कि मार मार का हवाला आपने बंद कर दूंगा। इंस्पेक्टर चालू पांडे से और ड्रग्स मांग रहे हो, ले जाओ उसको। इसकी हिम्मत तो देखो। पुलिस स्टेशन में आकर गलतफहमी हो रही है पांडे जी, आपको गलत है, मुझे छोड़े। अरे मुझे ड्रग्स नहीं, ड्रग्स के ऊपर सिर्फ जानकारी चाहिए। मैं उसके ऊपर एक आर्टिकल लिख रहा हूँ। अरे छोड़ो भाई, मैं सभ्य पत्रकार हूँ भाई। मैं जिम्मेदार पत्रकार हूँ भाई। तुमने क्या कहा? मैं वो ड्रग्स के ऊपर आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, उस सिलसिले में आपसे जानकारी लेने आया हूँ एज ए पत्रकार। अपने चुंगल में हमारे देश की युवा पीढ़ी को फंसा लिया है, तो एडिटर साहब ने बोला कि पोपटलाल इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखो, थोड़ा अर्जेंट है। मेरे पास वक्त कम था तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी जानकारी ले लेता हूँ, अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ जरूर जरूर, किससे तो बहुत है पत्रकार पोपटलाल जी। एक मिनट सर, एक मिनट, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओ मोबाइल पर? हाँ आजकल इसी में करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सर पहले अपना नाम बताइए। हाँ हाँ, मैं इंस्पेक्टर चालू पांडे पत्रकार पोपटलाल को ड्रग्स के मामले में इंटरव्यू दे रहा हूँ। याद आ रहा है सन 2007 13 मई को मैं अपनी पत्नी बासुंदी के साथ गोवा के बीच पर यूं चले जा रहा था, तभी क्या देखता हूँ कि पीटर नाम का एक आदमी बीच। एक मिनट सर, एक मिनट। देखिए इस वक्त मुझे पर्सनल स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं उसमें पीटर ड्रग लेके आगे आ रहा है। लेकिन इतना टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम है ना। देखिए आपकी जो पूरी जर्नी है ना लाइफ की, मतलब आप कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, आप कब इंस्पेक्टर बने, आपकी कब शादी हुई, इन सब के बारे में मैं अलग से आपके ऊपर एक आर्टिकल लिखने वाला हूँ तूफान एक्सप्रेस में। मैंने तो हेडिंग भी सोच लिया है, इंस्पेक्टर चालू पांडे झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। लेकिन इस वक्त ड्रग्स के खिलाफ इन जनरल मुंबई पुलिस क्या क्या एक्शन ले रही है उसके बारे में जानकारी चाहिए। मुंबई पुलिस? हाँ, सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में। स्टार्ट कर रहा हूँ। मुंबई पुलिस ड्रग्स अवेयरनेस के लिए बहुत कुछ कर रही है। वाह, ये हुई ना बात सर, यही चाहिए था सर। देखिएगा पांडे जी, पुलिस और मीडिया हम दोनों मिलकर ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाएंगे और हमारे देश की युवा पीढ़ी को ड्रग्स जैसी खतरनाक चीज के चुंगल से जरूर बचाएंगे। थैंक यू पांडे जी। थैंक यू, तुम्हारी इस मुहिम में मुंबई पुलिस तुम्हारे साथ। थैंक यू पांडे जी, दिल छोटा मत कीजिए, मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत जल्द आर्टिकल लिखूंगा। हाँ ओके, गुड डे। गोवा बीच पर बासुंदी के साथ मूंगफली कोड़के। सर इसका क्या करें? क्या मतलब? ये ड्रग्स नहीं, नमक है। देखो और छोड़ दो उसको। तुम्हें कहा था सर भाभी जी के साथ आप गोवा बीच पर मूंगफली खा रहे थे? बासुंदी पोपटलाल, काम पे ध्यान दो। आश, आर्टिकल पूरा हो गया, फटाफट एडिटर साहब को देकर निकल जाता हूँ। चलो चलो पोपटलाल। सर सर आर्टिकल रेडी है। अरे वाह वाह, मैं चलता हूँ। एक मिनट रुको। अरे इतनी जल्दी क्या है, जरा नजर तो मारने दो क्या लिखा है। सर मुझे अर्जेंट कहीं पहुँचना है, मुझे बहुत लेट हो रहा है सर। एक मिनट सर, प्लीज थोड़ा जल्दी पढ़िए।
सर पे मत खड़े रहो, बैठो बैठो। हाँ ओके सर, थोड़ा जल्दी पढ़िए। रिलैक्स, जल्दी पढ़ता हूँ ना। वाह पोपटलाल वाह, शॉर्ट नोटिस में कमाल का आर्टिकल लिखा है तुमने। थैंक यू सर। तुम्हारे जैसे डेडलाइन संभालने वाले पत्रकारों को तो खास डेड पत्रकार का अवार्ड मिलना चाहिए। मेरा मतलब है डेडलाइन पत्रकार का अवार्ड मिलना चाहिए। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। जय हो। ओ जय हो, जय हो पंडित जी, आइए आइए आइए। सर मैं चलूं? अरे एक मिनट, इनसे मिलके तो जाओ। ये हमारे तूफान एक्सप्रेस के नए ज्योतिषी है। अच्छा अच्छा, मतलब आज का राशि भविष्य आपने लिखा था? जी हाँ पंडित जी, ये हमारे तूफान एक्सप्रेस के पुराने सीनियर और कुवारे पत्रकार पोपटलाल है। नमस्ते नमस्ते। अरे भाई इन्हें कौन नहीं जानता, ये बहुत ही गुणी पत्रकार है पोपटलाल। थैंक यू। पंडित जी मैं आपसे एक निजी सवाल पूछ सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल, जय हो। हाँ पूछो। थैंक यू, लेकिन पहले मैं एक सवाल पूछ लूँ? ठीक है आप पूछ। पंडित जी कल का राशि भविष्य लिखकर आपने प्रेस में भेज दिया? जी हाँ, जय हो जय हो जय हो। पोपटलाल अब तुम्हें शादी के बारे में जितने सवाल पूछने हैं वो पूछ लो। ओके। लेकिन बाहर जाके मुझे डिस्टर्ब मत करो। हाँ ओके ओके, आइए पंडित जी, आइए 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 पंडित जी आइए। पोपटलाल बैठ के बात करते हैं। नहीं 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 पंडित जी, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, बहुत लेट हो रहा है मुझे। अच्छा क्या समस्या है आपकी? अरे क्या बताऊं मैं पंडित जी, बरसों से मेरे जीवन में एक ही समस्या है, एक ही प्रश्न। ओ समझ गया। जय हो। आपकी समस्या का महाप्रश्न तो ग्लोबल वार्मिंग की तरह पूरे ग्लोब में घूम रहा है कि आपकी शादी कब होगी। अरे वाह 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 पंडित जी, आपको मेरी समस्या पता है तो उसका हल भी पता होगा। और आपको पता है आज के तूफान एक्सप्रेस के राशि भविष्य में आपने कन्या राशि के बारे में जो लिखा है ना कि किसी खास व्यक्ति विशेष से मुलाकात होने की संभावना है, तो आज ऐसा ही हुआ। आज मेरी ऐसी एक खास व्यक्ति विशेष से मुलाकात हुई और वो भी कन्या है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। कन्या कुमारी है? अरे कुमारी का क्या मतलब है, बिल्कुल कुमारी है, मैंने इनडायरेक्टली पता लगा लिया है। तो डायरेक्टली कन्या से शादी की बात करो, वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? अरे पंडित जी वही तो प्रॉब्लम है, लड़की मुझे मिली तो सही लेकिन उसका नाम बता पता कुछ नहीं पता। ये तो बड़ी कठिन समस्या है। पोपटलाल जी ये तो बताइए कि आपकी उस कन्या से मुलाकात कैसे हुई? बताता हूँ, आज सुबह यहाँ आने के लिए मैं रास्ते पर लोगों से लिफ्ट मांग रहा था, अचानक कहीं से वो कन्या साइकिल पर आई और मुझसे टकरा गई। आगे बोलिए पोपटलाल जी। उस लड़की ने मुझे साइकिल पर लिफ्ट दी, हमने बहुत सारी बातें की, मैं उस लड़की का नाम अता पता कुछ भी पूछूं उसके पहले वो चली गई। अब आप ही बताइए पंडित जी मैं उसे कहां और कैसे ढूंढूं। जय हो, इसका मतलब ये है कि अकस्मातिक वियोग। पंडित जी अगर ग्रहों का कोई टेंशन है तो प्लीज जल्दी से कोई उपाय बताइए। पोपटलाल जी आपके प्रश्न कुंडली के हिसाब से कन्या का पता लगाने के लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम करना होगा। अरे पंडित जी मैं कठिन से कठिन परिश्रम करने को तैयार हूँ, आप कहेंगे तो उस लड़की के नाम पर मैं रास्ते पर पत्थर तोड़ने को भी तैयार हूँ, आप बस सिर्फ उपाय बताइए। पोपटलाल जी आपके नसीब में कन्या के साथ पुनः मिलन का योग तो लिखा है। अच्छा, अरे वाह वाह, थैंक यू पंडित जी, कब और कहां ये तो पता नहीं। आपकी मुलाकात उस कन्या से रास्ते में हुई थी, यानी कि आपका स्थल योग काफी मजबूत है, वो रास्ता आपके लिए काफी शुभ है, इसलिए उस कन्या को उस रास्ते के आसपास ढूंढिए, वो कन्या आपको वहीं मिलेगी। थैंक यू पंडित जी, आपने तो मेरी लाइफ सेट कर दी, मैं अभी रास्ते के उसी मोड़ पर जाकर खड़ा रहता हूँ जहाँ मेरी उससे पहली मुलाकात हुई थी, बस आप आशीर्वाद दीजिए कि मुझे सफलता मिल जाए। जय हो पोपटलाल, जय हो पंडित जी, जय हो। थैंक यू, अब मैं चलता हूँ। कब आएगी मेरे सपनों की रानी? जिन्हें सही कहा था, कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। 3 घंटे तो हो गए। हेलो पोपटलाल, मैं भिड़े बोल रहा हूँ। अरे हाँ भाई, पता है मुझे तू भिड़े बोल रहा है, लेकिन क्यों बोल रहा है वो बोल। पोपटलाल मैंने तुम्हें फिर से याद दिलाने के लिए फोन किया है कि तुमने अभी तक मेंटेनेंस के चेक पे साइन नहीं किया है और आज मेंटेनेंस का चेक भरने की लास्ट डेट। हाँ तो का क्या मतलब है?
अगर तुमने आज साइन नहीं किया ना तो कल तुम्हें 1000 रुपए पेनल्टी लगेगी। अरे क्या पेनल्टी लगेगी बोलकर सुबह से धमकी दे रहा है। एक बात कान खोलकर सुन ले भिड़े, तू गोकुलदास सोसाइटी का एक मेवा सेक्रेटरी है ना, तो मैं भी गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, तेरी पेनल्टी में डबल पेनल्टी लगा दूंगा, समझा? पोपटलाल कायदे में रहकर बात करो, और मैं भी सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से चलता हूँ। देखा ही नहीं, आज रात को 12 बजे से पहले तुम्हें चेक पे साइन करनी पड़ेगी, वरना सोसाइटी समझेगी कि तुम्हारा चेक मिला ही नहीं और तुम्हें पेनल्टी जरूर मारेगी। तुझे जो मारना है मार, जो करना है कर, मैं चेक पे साइन नहीं करूंगा, जा। पोपटलाल कोई बात नहीं पोपटलाल, मेरा नाम भी आत्माराम तुकाराम भिड़े है, मैं भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तारीख बदली होने से पहले तुमसे आज किसी भी हालत में चेक पे साइन लेकर रहूंगा। आने दो सबको थोड़ा शौक। सेक्रेटरी साहब चखना मिला ला ना, आता सोडा गया। थैंक यू जनरल। और भाई फिर बैंक में सबका वो मेंटेनेंस का चेक भर दिया ना? हाँ हाँ, चेक तो भर दिए सिवाय एक मेंबर के। अरे भाई दिया तो सही, तेरे घर पे आके मैंने चेक दिया। नहीं नहीं जेठालाल, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। अरे वहाँ तो और कौन है? वो भी एक लाल ही है। पोपटलाल? हाँ। पोपटलाल ने मेंटेनेंस का चेक नहीं दिया? नहीं दिया, वो भी पिछले 3 महीने से। क्या बात कर रहे हो भिड़े, पोपटलाल ने 3 महीने से मेंटेनेंस का चेक नहीं दिया? नहीं तो? अरे तो आजवाराम तुम पोपटलाल को पेनल्टी चार्ज करते हो कि नहीं? अय्यर मैं उसको पेनल्टी चार्ज तो करने ही वाला हूँ, लेकिन पता है पोपटलाल ने पेनल्टी से बचने के लिए क्या किया? क्या? उसने मेंटेनेंस का चेक तो दे दिया लेकिन जानबूझकर उस पे साइन ही नहीं किया। जानबूझकर साइन ना करने का पोपू का की कारण होगा? कारण है ना जोड़ी, पेनल्टी से बचने के लिए उसने मुझे ड्यू डेट से पहले मेंटेनेंस का चेक दे दिया ताकि उसको पेनल्टी ना भरनी पड़े। आजवाराम दे दे टू मच, रूल सब के लिए एक जैसा होता है, तुमको पोपटलाल का पेनल्टी चार्ज करना ही पड़ेगा। और भिड़े अगर तुम्हें पता चल गया कि पोपटलाल ने चेक पे साइन नहीं किए तो तुम्हें चेक ही नहीं लेना चाहिए था। मान लो चेक ले लिया तो उसमें साइन लेने चाहिए थे। मेहता साहब मैंने सुबह पोपटलाल को पकड़ के चेक पे साइन लेने की कोशिश की थी। हाथी भाई से पूछिए फिर। सही बात है, सुबह भिड़े मास्टर ने पोपटलाल से मेंटेनेंस के चेक पे साइन लेने के लिए बहुत मेहनत की। फिर पोपू ने चेक पे साइन किया कि नहीं? नहीं ना सोड़ी, उसने चेक पे साइन नहीं की तो नहीं की, उल्टा मुझे धमकी दी। तुमसे जो होता है वो कर ले, मैं चेक पे साइन नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। अरे और तो और रजिस्टर ऑफ सोसाइटी के पास जाके मेरे खिलाफ केस करने की बात कर रहा था। बोलो। अरे भिड़े पोपटलाल ने गुस्से में ऐसे ही कुछ बोल दिया होगा, मूड खराब होगा तो 2-4 दिन में गुस्सा जब शांत हो जाए तब चेक पे साइन ले लेना। हाँ हो सकता है पप्पू की सचमुच कड़की चल रही हो। हाँ पोपट भाई ने 3 महीने से मेरा भी हिसाब चुकता नहीं किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तूफान एक्सप्रेस का सेल कम हो गया हो तो उसको बेचारे को खुद को 3 महीने से पकड़ ना मिली हो? सही बात है, हो सकता है, पॉसिबल है। देखिए आप सब लोग जो अनुमान लगा रहे हो ना ऐसा कुछ नहीं है, सीधी सी बात है उसको मेंटेनेंस का चेक देना ही नहीं है। आजकल उसके नाटक बहुत बढ़ गए। अबे जाने देना फिरू, तो पप्पू का ब्याह नहीं हो रहा है इसको, बहुत परेशान रहता वो। सही बात है, बेचारा पोपटलाल अकेला है, हम सबको मिलकर उसको संभालना चाहिए। आती भाई वो कोई बेचारा बेचारा नहीं है, बल्कि हम सबको बेचारा बना के बेच खाया ऐसा है वो। नहीं सोसाइटी के नियम सभी के लिए एक जैसे होते हैं, आज मैं उससे मेंटेनेंस के चेक पे साइन लेकर आऊंगा और अगर नहीं करेगा ना तो उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। नहीं वो सब तो ठीक है भिड़े, जरूर साइन ले लेना, पर जिसकी वजह से इतनी रामायण हो रही है वो पोपटलाल खुद है का? आपने उसको याद किया ना, लेकिन अब भी आ जाएगा। ए, देखो क्यों हो गया पप्पू, तेरा मुंह क्यों उतरा यार? क्या हो गया पोपटलाल, सब ठीक है ना? तुम काफी थके हुए लग रहे हो पोपटलाल, क्या बात है? अरे लेडीज रुमाल, ये तुम्हारे हाथ में लेडीज रुमाल किसका है? दोस्तों ये खूबसूरत मखमली रुमाल आप सबकी होने वाली भाभी का है। ओ, 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 तेरी, क्या बात?
ये कब हुआ? वाह वाह, बधाई हो बधाई हो, कुंडली मिल गई। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। ओ मुबारक है, मुबारक है, बल्ले बल्ले। ओ कौन है हमारी होने वाली परछाई? हाँ, नाम क्या है? ओ, मुलाकात कहाँ पे हो बबड़ा? बताओ भाई। अरे बबड़दार, अरे कुछ तो बताओ। दस 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 में यार। बताता हूँ, सबको बताता हूँ, शांति से सुनिए। हाँ सुन ही रहे, बोलो। आज सुबह तूफान एक्सप्रेस में मैंने अपना राशि भविष्य पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि आज किसी खास व्यक्ति विशेष से मुलाकात होने की संभावना है। अच्छा, तो किसी खास व्यक्ति विशेष से मुलाकात हुई? मैं रोज की तरह सुबह रिक्शा से प्रेस में जा रहा था। रास्ते में रिक्शा बंद पड़ गई, दूसरी रिक्शा मिल नहीं रही थी। मुझे बहुत लेट हो रहा था, तो इसलिए मैं आते जाते लोगों से लिफ्ट मांग रहा था। इतने में कहीं से अचानक ट्रिन ट्रिन करती एक साइकिल आई और उस पर सवार थी एक खूबसूरत लड़की। और इस तरह वो मेरी जिंदगी में आई और मेरी सुनी जिंदगी को ट्रिन ट्रिन की प्यारी आवाज से भर दिया। हमेशा कुंवारेपन के पिंजरे में कैद रहने वाले पोपट इस वक्त सातवें आसमान में उड़ रहे हैं। क्यों ना उड़े, तूफान एक्सप्रेस की भविष्यवाणी अक्षरशः 100% सच हो गई। पोपट लाल जी की मुलाकात एक खूबसूरत हसीन साइकिल सवार से हो गई है। और तो और, पोपट लाल ने तो सपनों का घोंसला बनाना भी शुरू कर दिया। भाई क्यों ना करें, पोपट लाल जी के हाथ में उस हसीना की मोहब्बत की निशानी जो आ गई है, खूबसूरत रुमाल। और पोपट लाल की इस रोमांटिक कहानी को सुन के गोकुलधाम निवासी भी बड़े खुश हैं। लेकिन एक छोटी सी समस्या है, मुलाकात हो गई है, मोहब्बत की निशानी हाथ में है, लेकिन लड़की का नाम, अता, पता, पोपटलाल को कुछ भी पता नहीं है। अब देखना यह है कि क्या होगा आगे। क्या पोपटलाल की मुलाकात इस खूबसूरत हसीन साइकिल सवार से होती है? क्या ये प्रेम कहानी आगे बढ़ती है? क्योंकि ज्योतिष ने कहा है कि भाई बड़ा कठिन परिश्रम करना होगा। अब देखना यह है कि पोपटलाल इस हसीना से, इस खूबसूरत लड़की से मिलने के लिए कितने पापड़ बेलते हैं, लोहे के चने चबाते हैं वो, ये आप देखेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, अभी इस एक घंटे के स्पेशल एपिसोड के खत्म होते ही सब टीवी पे नया हास्य धारावाहिक प्रारंभ हो रहा है खिड़की, वो आप देखेंगे। और कल ठीक रात 8:30 हमारी मुलाकात होगी तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।